नमस्ते दोस्तों, जयास किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पनीर किसको पसंद नहीं होता है, सभी को पसंद होता है। पनीर की काफ़ी सारी डिशेस बनती है, और पनीर को स्वादिष्ट के साथ साथ हेल्दी कैसे बनाएं, तो हम आज बनाएंगे पालक पनीर। तो पालक के साथ पनीर कैसे बनता है वो मैं आज आपको बताऊंगी। दोस्तों, आज हम जो पालक पनीर बना रहे हैं उसके लिए मैंने 250 ग्राम पालक लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक उबालेंगे। तो उबालने के लिए मैंने इसे पहले से ही पैन में डाला है। आधा ग्लास पानी मैं इसमें ऐड करूंगी और फिर गैस पर रखूंगी। ये देखिए दोस्तों, आधा ग्लास पानी मैं डाल रही हूँ इसमें। ये ध्यान रखिएगा, पालक को आप 4 से 5 पानी से धो लीजिए, मिट्टी ना रहे, नहीं तो सब्जी हमारी जो है अच्छी नहीं बनेगी, उसमें वो मिट्टी का टेस्ट मिक्स हो जाएगा। तो प्लीज पालक को अच्छे से धो लीजिए। पालक को हमें कम से कम 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर उबालना है। तो हमने गैस ऑन कर दिया है और हम इसे ढक्कन लगाकर, दोस्तों पालक पनीर का मसाला बनाने के लिए हमने आधी कटोरी दही लिया है, 1 प्याज बड़ा कटा हुआ लिया है, 1 बड़ी कटी मिर्च ली है, कुछ हमने अदरक के टुकड़े लिए हैं, 1 टमाटर लिया है, 1.5 चम्मच मैंने मिर्च ली है, 1 चम्मच हल्दी ली है और 1 चम्मच धनिया लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है। इन सारी चीज़ों को हम मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लेंगे ताकि जो मसाला है पूरी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए, सारी चीजें हमने अच्छे से पीस ली है। अब पालक को बिल्कुल ठंडा होने तक रुकेंगे, उसके बाद उसे भी हमें ऐसे ही ग्राइंड करना है। दोस्तों, 150 ग्राम मैंने पनीर लिया है, जिसे मैंने कटिंग कर लिए हैं छोटे पीस में, ज़्यादा छोटे पीस नहीं करने हैं। चौक के लिए मैंने आधा आधा चम्मच हींग जीरा लिया है और 1 बारीक कटा प्याज लिया है, और आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, जिससे सब्जी की खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो कैसे बनाते हैं देखिए। दोस्तों ये देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं, पालक हमारा उबल चुका है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इस पालक को ठंडा होने के बाद पीसना है, तो इसे ठंडा करेंगे। देखिए, पालक हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, अब हम इसे मिक्सी के अंदर अच्छे से पीस लेंगे। उबालने में जो हमने आधा ग्लास पानी डाला था उसमें से कुछ पानी पालक के अंदर ही रह गया है, तो उसे हम पीसने में साथ में यूज कर लेंगे, उसे गिराना नहीं है, क्योंकि पालक तो हमने अच्छे से धो लिया था, तो वो पानी हम पीसने में साथ में यूज कर सकते हैं। ये देखिए, पालक पीसने के बाद इसका कलर देखिए बहुत ही अच्छा हो गया है, और ये हमारी सब्जी को बहुत ही टेस्टफुल बना देगा। तो देखिए कैसे बनाना है। गैस पर मैंने पैन चढ़ा दिया है, तो इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। आप अगर चाहें तो इस सब्जी को घी में भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पर तेल में बना रही हूँ। तेल को गर्म होने दीजिए। अगर आप इस सब्जी को लहसुन डाल के बनाना चाहें तो आप उसमें लहसुन का यूज कर सकते हैं, मैंने लहसुन का यूज नहीं किया है। चाहे तो आप मसाले में लहसुन को पेस्ट बनाकर डालिए, और चाहे तो आप उसके बारीक बारीक पीस कटिंग करके भी लहसुन इसमें डाल सकते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, तो सबसे पहले हमने ये जो पनीर लिया है इसको थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, और अगर चाहें तो आप कच्चा पनीर भी सब्जी में डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई करके फिर सब्जी बनाऊंगी। पनीर को सिर्फ 40 से 50 सेकेंड तक ही मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। ये
यहाँ पनीर मैं इसलिए थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ कि अगर अपन कच्चा पनीर डालते हैं और इसे अगर ज़्यादा हिलाते हैं सब्जी को तो पनीर टूट सकता है। फ्राई करने से जो इसमें हल्का सा जो पानी रह जाता है वो भी पानी जल जाएगा। तो ये देखिए पनीर हमारा फ्राई हो चुका है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तेल हमारा गर्म ही है, इसमें हम हींग जीरा डालेंगे। हींग जीरा डालने के बाद जो हमने मसाले की पेस्ट बनाई थी वो हम उससे पहले सॉरी प्याज डालने हैं, उसे हम फ्राई करेंगे अच्छे से। प्याज को कम से कम 1-1.5 मिनट तक हल्का ब्राउन होने तक फ्राई होने दीजिए। अगर आप प्याज नहीं डालना चाहें तो लहसुन प्याज का यूज़ नहीं भी करेंगे तब भी ये सब्जी अच्छी बनेगी। मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं। सब्जी का ये ध्यान रखिए कि मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर ही बनाए, हाई फ्लेम पर सब्जी को नहीं बनाना है। ये देखिए प्याज हमारे हल्के ब्राउन हो गए हैं, तो अब हम इसमें जो हमने मसाले की पेस्ट बनाई थी वो इसमें ऐड करेंगे। मसाले को हम अच्छे से फ्राई होने देंगे, कम से कम हम इसे 2 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे, जब तक कि इसमें ये जो तेल है वापस ऊपर नहीं आ जाए और मसाले में जाली ना हो जाए। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, मसाले में जाली जैसा दिख रहा है और जो तेल था वो भी ऊपर आ गया है साइडों में। देखिए अब हमने जो ये पालक ग्राइंड किया था उसे भी इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए पालक मैंने मसाले में ऐड कर दिया है, तो इसे अब हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और कम से कम इसे 2-3 मिनट तक पकने देंगे। पालक में जब उबाल आता है तो इसमें इस तरीके से बुलबुले निकलते हैं तो इसके छींटे भी बाहर आते हैं, तो उस टाइम आप गैस बिल्कुल लो फ्लेम पर कर दीजिए। दोस्तों मैंने पालक की पेस्ट और मसाले की पेस्ट को लगभग 3-4 मिनट तक पका लिया है, तो ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। इसमें अब हम पनीर डाल देंगे। पनीर हमने डाल दिया है और जो गरम मसाला बाकी रह गया था उसे भी अब हम इसमें ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी हेल्दी शाही सब्जी पालक पनीर तैयार है। इसे हम नान के साथ सर्व कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनी है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। इसे अब हम सर्व कर रहे हैं, तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी हमारी शाही पालक पनीर घर पर ही हमने तैयार कर ली है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं और सबको खिलाएं, बहुत ही टेस्टफुल बनती है। इसे गार्निश करने के लिए हम थोड़ा सा पनीर क्रम्बल करेंगे और 1-2 धनिया की लीफ ज़रूर लगाएं। तो बिल्कुल शाही सब्जी वाला लुक आ गया है। तो दोस्तों ये शाही पालक पनीर हम नान के साथ सर्व कर रहे हैं। नान की मैंने रेसिपी आपको पहले बताई है, तो मैं लिंक नीचे दे रही हूँ, तो आप देखकर इसे जरूर घर पर बनाइए और सबको खिलाइए। तो दोस्तों आज हमने जो पालक पनीर बनाया है, बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टफुल और हेल्दी सब्जी है, तो सबको घर पर बनाकर खिलाइए और आप भी ज़रूर खाइए। रेसिपी आपको कैसी लगी अपने कमेंट मुझे ज़रूर भेजें। आगे मुझे और क्या बनाना है ये ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।